आज जनरेशन इनके माँ बाप का सोशल मीडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, जो आप जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम में आए और खुद एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जिनका सोशल मीडिया से कोई ताल्लुकात नहीं है, जो आज भी फोटो खिंचाने के लिए बोलो तो ऐसे खड़े हो जाते हैं। फेसबुक में आप जाकर अकाउंट बनाए हमारे मॉम डैड ने, कमेंट सेक्शन में तो चैटिंग कर रहे होते हैं हमारे मॉम एंड डैड, व्हाट्सएप पे फेक न्यूज को सच मानने वाले हमारे मॉम एंड डैड है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा क्यूट एंड टाइम चला गया, लेकिन जो अब वाले पेरेंट्स बनेंगे ना वो भाई नेक्स्ट लेवल के होंगे, और सच बोलूं काफी ज्यादा मजा आने वाला है भाई फ्यूचर में, बहुत अच्छा लगेगा। अब मान के चलो मेरा ये लौंडा क्लास में जाके क्या बोलेगा, पापा रोस्टर है क्या बेटा, पापा रोस्टर है क्या, बोला जोर से बोल जरा आवाज नहीं आ रही, अबे भोसड़े के बकचोदी मत कर, पापा रोस्टर है बजा देंगे। लड़कियां क्या बोलेगी, मेरी मम्मी मम्मी टिकटॉकर है क्या, टिकटॉकर है अच्छा। मजा आने वाला भाई सब नेक्स्ट जनरेशन में, यहाँ पर किसी के पापा मेरे जैसे रोस्टर होंगे और किसी की मम्मी इनके जैसे रिलर। क्या अपने आप को मुगल आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे, कितना नचा रहा है। आप चाहेंगे तो हम रोज आकर आपके पास नाच जाएंगे, एक घंटा सुबह एक घंटा शाम, लेकिन अभी तो जाने दो यार, जाके नाचो वरना गोली मार दूंगा। वैसे ही एक अनोखी परिवार का हम लोग रील्स देखने वाले हैं, जिसमें बेटा बेटी मम्मी और डैडी, जिसमें सबको रहने वाले हैं। लोग सोच रहे ये रियल नहीं है, सोशल मीडिया भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है व्यूज के नाम पे, व्यूज का इतना गंदा लालच पड़ रखा है ना भाई कि 15-15 साल के निपा निजी को शादी करके बैठे यहाँ पर, ये भाई 4-4 शादियाँ किए हैं भाई, बहन नेक्स्ट लेवल के बना रहे भाई, पापा का शराब शेयर किया जा रहा है, और क्या चाहिए तू। भाई नहीं लग रही भाई, ऐसा लग रहा है एक बहन और एक माँ यहाँ पर रील बना रहे, क्या क्या जमाना आ गया प्रभु। झूठ बोल रहा था मैं? नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा था? अबे इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है लड़का, लड़का एकदम आराम से रूम में जाके अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, उधर से मम्मी है, चल 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 रील्स बनाने, क्या बात कर रहा है, चल खत्म करो यार रील, और क्या मम्मी कहाँ बता दी हो, मैं तो कितना से भी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, ये झूठ मूठ का जी यार, क्या मम्मी क्या मार्क्स आए, 5-5 2 होता है, देख मैंने 5 पूड़ियाँ बनाई और 5 खा ली, क्या बचा? चले। मम्मी मम्मी जी कुछ साल के बाद ये रियलिटी हो जाएगी आपके लड़के के साथ, कानों में बाली हाथों में झुमका पैंट इतने तक शर्ट इतने, सच बता रहा हूँ हो जाएंगे। तुम पसंद आ गई हो मुझको, तुम्हें बताऊं या? आप एक चीज गौर करो, इसके सब बड़े में यहाँ पर ऊपर में मॉम एंड सोन, यूजुअली हम क्या लिखते हैं कंटेंट में, जो हम करते हैं वो थोड़ा सा लिख देते हैं, मतलब इस हिसाब से मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर नहीं लिखूंगा रमेश विनोद शुक्ला मांझी, ये सब लिखना है तब आपके व्यूज आने वाले हैं आपके दौर में, तो ये सब बस ट्रिक है कि व्यूज कमाने का, ठीक है। जैसे मैं कोई नया बंदा आया, ओहो मॉम एंड सोन वाला रील्स चल रहे, देखते हैं क्या होता है, क्या कॉन्टेंट बनाया है, आओ देखते हैं। मुझे ब्रेकअप करना है तुमसे। ठीक है कर लो, तुम तो यही चाहती हो ना, जाओ खुश रहो अपने नए आशिक के साथ। किसने कहा वो नया है, वो तो तुझसे भी पहले से है। तूने मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दिया तूने। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं। और आपका फेवरेट दोस्त ये इसके बेटा है, मम्मी मम्मी नहीं लग रहा है, बेटा बेटा नहीं लग रहा है, सैल्यूट है यार आपकी फिटनेस को। अगर आपका कपड़े चेंज हुए हैं ऐसे, अगर ऐसे आपके कपड़े चेंज नहीं हुए तो मतलब आप प्योर इंस्टाग्राम के रीलर नहीं हो, जब तक ये नहीं करना आएगा भाई तब तक रील बनाने में कोई मजा नहीं है। एक परसेंट का भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है यहाँ पर चचा, बस इंटरेस्ट है इस मम्मी को, और किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है रील बनाने में। हाँ यार, पर बाद में शो ऑफ करने के लिए दिखाना पड़ता है कि बेबी आई आल्सो लव यू। जिंदगी बोरिंग नहीं है दोस्त, बस चक्कर ये है कि अपने पास पैसे नहीं है। देखो कतई झूठ बोल रहा है लड़का, अभी मैंने नेक्स्ट वीडियो लगाऊंगा भाई, पैसे भवार लगा रखे इसने। यू वेर चालाक ब्रो। मां मुझे काला क्यों बनाया,
पे यार कौन हिसाब से ये तुमको काला लग रहा है? खुदा का नहीं गलती तुम लोग का भाई, उस दिन खिलाना भूल गए थे। ये कहना क्या चाह रही सलमान करिश्मा? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मम्मी आप बड़े मोटे हो गए आजकल। मेरे बाप का खाती हूँ। मैं रियल में बताता हूँ, खाते तो उसके बाप के। मैं अपनी मम्मी को एक छोटी सी रील में एक्टिंग करने बोलता, मुझे बेलन फेंक के मारती है। हमारी मम्मी बैलेंस मार के हमें पढ़ने भेजती थी और यहाँ पर बेलन मार के रील्स बनाने को भेज जा रही है। अल्लाह इतना कब बदल गया दुनिया पे। खैर वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे तो मैं किसी को बेटी चूत को भागने नहीं दूंगा। पहले कमेंट करो जो अच्छा लगा, गंदा खराब जो लगा कमेंट करो, किसी को हेट नहीं करना है, ठीक है। हाँ थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर मारो बल्लो अंडो साला, एक वन के सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे अपने। क्या उखाड़ रहे हो बैठ के तुम लोग? भाई सब्सक्राइब कर दो भाई। मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार, सुशासन की सरकार है, लौड़ा की सरकार है। सुन इधर बेटे।